जाता हूँ, अब काम रेडी हो गया होगा तो आपको दिखाता हूँ जल्दी सरप्राइज। और उसके इसकी एक इमेज बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही लग रही है, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। एक 10K की खुशी में मैं और मेरे दोस्त आ गए हैं और दोस्त से आपको मिलवाते हैं। गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। और आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, बाइक की सर्विस हुई थी अपनी, व्हाइट टाइगर की सर्विस हुई थी। उससे पहले वीडियो देखा होगा, हमारी लेह लद्दाख की तैयारी चल रही है, तो उसी तैयारी को आज भी हम करेंगे और आपको आज एक बड़ा सरप्राइज देंगे जो कि आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और जो हमारे 10K हो गए हैं तो उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी सर्विस करा लें। कल बाइक की सर्विस हुई तो आज अपनी भी थोड़ी सर्विस करा लें। धीरे धीरे हमारा रंग काला होता जा रहा है, तो थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सर्विस अपनी कराते हैं, उसके बाद बाकी जो सरप्राइज आपको देते हैं और उससे पहले आपका स्वागत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और यार खुशी रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर। 2021 में अपने आप से मैंने कुछ वादे किए थे जिसमें से कुछ पूरे भी हुए हैं, जैसे डेली मेरे को वीडियो अपलोड करनी है तो 9 बजे सुबह डेली वीडियो आ जाती है। और कुछ मैंने सोचा था अपने लुक्स में चेंज करूंगा, जैसे कि हेयर बड़े करूंगा या टैटू बनवाऊंगा कुछ ऐसा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना की वजह से टैटू तो नहीं बनवाया, लेकिन बाल बड़े किए। एक वादा ये भी किया था कि 2021 में मैं अपनी हायाबुसा परचेज करूंगा, वो भी पूरा हो गया है, बाल भी बड़े हो गए हैं। लेकिन मैंने जो सोचा था कि मैं अपनी हायाबुसा से जाऊंगा, हेलमेट उतारूंगा और लंबे लंबे बाल ऐसे अगर लेकिन हो कुछ और ही जाता है। जब मैं जाता हूं और अपना हेलमेट उतारता हूं तो बालों का ऐसा ना गुच्छा सा बन जाता है, और सच बता रहा हूं मधुमक्खी आकर भी बैठ जाती है। तो फाइनली इनको कटवाने का टाइम आ गया है। मेरे को समझ आ गया कि अपने ऊपर वो छोटे बाल ही अच्छे लगते हैं, तो जाकर कटिंग कराते हैं। बाकी हेयर ड्रेसर से पूछेंगे अगर वो लॉन्ग हेयर में कुछ कर सकता है, तो अगर नहीं होगा तो छोटे बाल में ही आपको एक नई लुक के साथ मिलेंगे और अच्छा भी रहेगा। ट्रेवल पे यार छोटे बाल होंगे, थोड़ा गर्मी कम लगेगी और इजी होगा मेरे लिए। अब क्या करोगे, छोटे रखोगे या बड़े? बड़े रखूंगा, बड़े में। लेकिन ये है कि यहाँ अच्छा लगता है, घर जाने के बाद फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। कर तो सर नेचुरल टेक्सचर को तो हम चेंज भी नहीं कर सकते, वैसे ही रहेगा। हाँ फिर छोटे ही कर देना, इससे अच्छा। तो फिर कितने शॉर्ट पूरे बताओ फिर? शॉर्ट पूरे पर मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ पहले की अपनी, वैसा कर। पहले मैं छोटे ही रखता था, सोचा था 2021 में कुछ चेंज किया जाए, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। ये अगर बाल देखोगे मेरे तो यहाँ तक आ गए, इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं चलते कर लिए हैं, ये घूम घूम कर यही इतने से रह जाते हैं। इस आदमी के अंदर से एक लड़का निकल के आ गया है, लेकिन आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। पहले जाके बात ले लें अच्छे से, रेडी सेडी हों, फिर आपको पूरा लुक दिखाएंगे। इसलिए हमने मास्क भी पहना हुआ है और कैप भी। बाकी जब तक आप गैस कीजिए। तो बहनों और भाइयों, देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, पुरुष और स्त्री और महापुरुष भी, बताइए कि कमेंट्स कर हम कैसे लग रहे हैं। जो ये शरीफ लड़का निकल कर आया है, मतलब ये कैसा लग रहा है शेव वेव बनाकर, कटिंग वटिंग कराकर, कमेंट्स कर जरूर बताना। और जो सरप्राइज है वो आपको देता हूँ जल्दी चलकर। इसलिए मैंने सुबह जाकर वीडियो भी नहीं बनाई, सिर्फ मैं देकर आ गया था और अब जाता हूँ, अब काम रेडी हो गया होगा तो आपको दिखाता हूँ जल्दी सरप्राइज। और उसके बाद अपनी 10K की पार्टी भी करेंगे, तो चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं और आपको सरप्राइज दिखाते, सीधा वहीं पर मिलता हूँ। A few moments later. अभी बाइक रेडी होने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, इतने में घर होकर आ जाता हूँ, फिर आपको ये सरप्राइज देता हूँ। सरप्राइज यार बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने जो फोटो देखी है ना कंप्यूटर में, उसकी बहुत ही अच्छी बाइक लग रही है। तो आप थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद आप देखना और आप भी बताना आपको कैसा लगा मेरा सरप्राइज। बाइक जो है ना बिल्कुल रेडी मेरे सामने खड़ी, और सच बता रहा हूँ बहुत ही सुंदर, अच्छी लग रही है, जैसा सोचा था, जैसे मैंने कंप्यूटर में इसकी एक इमेज बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही लग रही है। लेकिन आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, एक लोकेशन पर लेकर चलता हूँ जहाँ थोड़ा स्पेस हो, अच्छे से आपको दिखा सकूँ, वहाँ ले जाकर दिखाता हूँ। और सच में यार जैसा चाहा ना वैसा काम हो गया। बाइक को लेकर आ गए हूँ और पहले ना सिनेमैटिक दिखाता हूँ, उसको इंजॉय करो, अच्छे से बाइक देखो, उसके बाद इसका पूरा किस्सा बताता हूँ कि ये मैंने क्यों कराई है।
अभी अगर आपको याद होगा तो लास्ट में एक संडे राइड पर गया था यश्विन भाई के साथ, तो वहाँ एक मैंने कैफे में बूसा दिखाई थी जो कि पूरी रैप थी, तो मैंने पूछा था कमेंट्स कर बताना मुझे रैप करानी चाहिए या नहीं, तो आधे लोगों ने हाँ बोला आधे ने ना बोला, तो मैंने बीच का सोल्यूशन निकाला ना, मैंने पूरी रैप कराई और मैंने थोड़ा अच्छे से थीम भी दे दी, जैसे इसका वाइट टाइगर नाम है तो वाइट टाइगर लिखवाया और यहाँ पर एक टाइगर बनवाया है, और ले चल लद्दाख जो मेरी सीरीज आने वाली है लद्दाख की उसका मैंने नाम रखा है ले चल लद्दाख, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये नाम क्यों रखा है। बाकी यहाँ पे बनवाए हैं पहाड़ हिल जो कि अपनी फेवरेट जगह है और वहाँ जा रहे हैं तो अच्छे अच्छे नज़ारे अच्छे अच्छे पहाड़ देखने के लिए ले गए वो, और जो ले चल लद्दाख ये ले जाने वाला लद्दाख नहीं है, ये है ले एल ई एच जो लद्दाख ले लद्दाख, तो ये लद्दाख और चल ले चल लद्दाख ये हमारी सीरीज़ का नाम रहने वाला है। तो सजेशन करना बताना कि नाम ठीक है या नहीं, कुछ और रखूं, फिलहाल मैंने यही सोचा है तो मैंने इसको करा लिया, और बाइक कैसी लग रही है ये भी कमेंट्स कर बताना। 10K की खुशी में मैं और मेरे दोस्त आ गए हैं और दोस्त से आपको मिलवाते हैं। ये रहा अपना पहला दोस्त हाथी, इधर भालू और इधर है जिराफ और इधर है टाइगर, बस ये वाइट टाइगर नहीं है, और इधर अपना खाना जो कि बुफे है और इसमें है ग्रिल्ड चिकन विद मशरूम और इसमें है मुर्ग मुसल्लम और ये सारे चिकन का आइटम है, ये है सैलेड और इधर वेज में है रेड करी ओरियन वेज गोभी मंचूरियन हग्गा नूडल्स, इसमें है पनीर मसाला कढ़ाई मशरूम, इसमें है चावल और इधर वेज बिरयानी और इसमें हलवा और गुलाब जामुन। तो 10K की खुशी में मीठा तो बनता है ना, और इधर सैलेड और इधर आइसक्रीम, और यहाँ सब कुछ नीला नीला हो गया है और लोग भी कम आए हुए हैं क्योंकि यार लॉकडाउन अभी खुला है, रेस्टोरेंट खुलने चालू हैं लेकिन लोग बाहर कम निकल रहे हैं, तो इसी का फ़ायदा हम उठा रहे हैं, कम लोग हैं भीड़ कम है तो उसमें हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और जो मेरे दोस्त हैं वो अभी आए नहीं हैं वो आने वाले हैं, और इधर गाने चल रहे हैं तो कॉपीराइट ना जाए इसलिए वीडियो भी ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा केक कटिंग करेंगे उसकी वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे गाना बंद कर दे तो फिर वीडियो बनाते हैं। दोस्त आ गए हैं, मतलब आप सब आ गए हो क्योंकि आपकी वजह से ही हमारा ये केक कट पा रहा है, तो सेलिब्रेट करना घर बैठे क्लैपिंग करना, और सेलिब्रेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी अभी घर आया और आते ही देखो मायरा मेरे से क्या कह रही है, क्या बोल रहे थे? आपके 10K हो गए। ये मेरे से बोल रही थी जब मैं घर आया कि आपके 10K हो गए, पार्टी चाहिए हम भी, है ना? पार्टी चाहिए आपको भी, पार्टी चाहिए? हां जी मुझे पार्टी चाहिए। चलो कल पार्टी करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब बोल दो तो सबको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी जल्दी 0 लगा देना। इसका कहने का मतलब है कि जल्दी जल्दी 100 के कर दो, जो 10 के है उसमें 0 और लगा दो फिर 100 के हो जाएंगे, फिर कुछ बढ़िया पार्टी करेंगे, है ना? चलो बाय कर दो, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो कमेंट्स करो और चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर भी कर दो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना? वो तो मायरा ने भी बोल दिया, सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय टाटा सी यू।